हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं 11। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता आज। मतलब उठ तो मैं जल्दी गया था, पर नाश्ता लेट में। मम्मी ला रही है नाश्ता, अभी वही बनता है अपना, पराठे चाय। सब्जी वब्जी मज़ा नहीं आता पराठे के साथ, तो चाय पराठे के साथ चाय चलती है बढ़िया से एकदम। तूने खा लिया अम्मी? मम्मी भी खाएगी, अब साथ में खाते हैं बढ़िया से। हम दो ही हैं वैसे भी। सब्जियां? क्या सब्जी? सब्जी नहीं खा रहा यार। अचार का क्या कर रखा है? डाल डालना है, नहीं डालना था तो। है? अभी डालना है ना ये तेल मसाला। अच्छा, भून के। क्या तू तो कहती की सूती कपड़े में लपेटा? लपेट तो रखा था। अभी साथ में खाते हैं, हम दो ही हैं। पापा भी चले गए दुकान, रितिका तो कल चली गई थी। खैर बस करेंगे टाइम पास दिन भर। तो वही मम्मी खेत में गई है सब्जी वब्जी तोड़ने। आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या सब्जी हो रही है खेत में, कितनी हो रही है। तोड़ दी मम्मी सब्जी है। हाँ यार, गंदगी हो जाती सब्जी। सब्जी सब्जी कहाँ है? सब्जी तोड़ रही थी। है कहाँ? अरे इतनी है, इतनी तो इतनी लगी है, बहुत है। अभी ऊपर के इतने भी हैं। अभी तो नहीं, हाथ से तोड़ी। बस हाथ से तोड़ देती है। नहीं, ये कहाँ कहाँ से तोड़ी है बता। यहीं से तोड़ी है। और इसमें सही है, बगल में सर को भी देंगे ना। थोड़ा और तोड़। बगल में सर रहते हैं ना हमारे शिशु मंदिर के, तो उनको भी देंगे। ये शाम को मच्छर लग जाते हैं ना, अभी तोड़ लेते हैं। शिमला भी तोड़े, कैसे शिमला तोड़ लेते हैं। चलो शिमला भी तोड़ते हैं। कहाँ है शिमला लगी है? तो मैंने सब लगा रही है साग सब्जी। कहाँ पे दिखा? ये शिमला है, ये तो बहुत छोटी है। अरे फिर ये वो हो जा रही है ना, मत तोड़। है? छोटी है मत तोड़, तो तोड़ लेते हैं, बड़ी हो ही नहीं रही है। दिखा ये शिमला। चलो ऊपर से तोड़ आते हैं, थोड़ा भी ऊपर वाले खेत से तोड़ते हैं। अब पूरा साफ कर दिया खेत। कहाँ पे क्या साफ किया मेरे को तो नहीं थी। कहाँ है? साइड में। अच्छा उस किनारे हो। हाँ हाँ हाँ, साफ साफ लग रहा है खेत, मतलब भरा भरा लग रहा था ना। ये तो बहुत जल्दी होगी भी घास यार, ये तो परसों तक तो साफ था पूरा, फिर से होगी। ये तो कुछ दिनों में ही घास हो जाती। पैर रख रहा हूँ मैं साइड में। दिखा दिखा, रुक जा। ये तो बहुत छोटी छोटी हो रही है। नहीं फिर ये वो हो जाती है ना, खराब हो जाती है फिर। खराब मतलब क्या? खराब ना, बड़ी फिर काटी नहीं जाती है ये, वैसे आ। अच्छा ठोस ठोस है। बंदर भी खाई जाते हैं ऐसे। कोमल कोमल अच्छी हो रही है, तोड़ दे। हाँ हाँ तोड़ दे, बंदर खा जाएंगे ना यहाँ से। हाँ तो रहे हैं। तो अभी बच्चों है डेढ़, अभी हम खाएंगे आम। मीठा रसीला पीला रसदार आम। ये लग रहा है आम जैसे, जैसे मम्मी उसमें दिखाते हैं ना, जैसे वो कभी पढ़ते नहीं थे किताबों किताबों में, उसमें दिखाता है आम। ये लग रहा है आम जैसा। ऐसी वैसे आम के प्रकार होते हैं ना, जैसे आम के लंगड़ा, दशहरी, चौंसा, एक लास्ट में इतना बड़ा वाला आता है शायद, वही वो कुछ और होते हैं। तो बताना ये कौन सा है अच्छे देख के, जो जानता है ये वाला आम कौन सा है, इस कौन से टाइप का है, मतलब है, जो जानता है। आम खाएंगे। खाना होगा तो आ जाना। तो अभी बज गए शाम के 6। अभी हम जा रहे हैं मिट्टी निकालने के लिए खेत से, क्योंकि हरेला हरेला है ना, हरेला बोने के लिए मिट्टी निकालनी है। ये देखो परात ले जाते हैं ऊपर। चलो चलो परात पहले नीचे रखनी पड़ेगी। बंद कर दिए इधर। अच्छा चलेंगे ऊपर।
ले मम्मी परात ये ले। खाली मिट्टी ऐसे निकाल देनी है इससे, मतलब खाली इस मिट्टी को डाल देनी है बस, मतलब कल साफ कर देना इसको, मतलब कैसे छाने की मिट्टी पत्थर, तो मिट्टी कैसी भी चल जाती है कहीं की भी, साफ होगी चाहिए ना, साफ गंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको तो छानेंगे साफ करके, फिर इसको पत्थर निकाल के भी बोएंगे, सुखाएंगे कल ना शाम को बोएंगे, कल सुखाएंगे कल सुख, फिर कल शाम को बोएंगे, बारिश की वजह से निकालनी पड़ेगी, कल शाम को बोएंगे हम, फिर बारिश हो जाएगी तो ये फिर नहीं गीली गीली हो जाएगी, फिर गीली हो जाएगी तो बेकार हो जाएगी, इसलिए अभी सूखी है, सूख जाएगी सुबह शाम को बोएंगे। अच्छा फिर परसों हरे लगा वे, हरेला तो 10 दिन में कटता है। अच्छा 10 दिन पहले बोना पड़ता है ना। अच्छा 16 को है सर, 17 को, मतलब 10 दिन तक कुछ नहीं होगा वैसे, मतलब खाली बो देंगे, मतलब हम खाली ना बो देंगे, जमेगा वो भी 9 दिन में घोड़ेंगे उसको। अच्छा घोड़ के फिर 10वें दिन काटते हैं, 10वें दिन काटते हैं। अच्छा ये देखो हमारा आम का अचार भी बन गया, बढ़िया से बना बुनू के, अब इसमें जार में भर रहे इसको, मैंने पापा से कहा था वैसे जार ले आना, कहा था ना वैसा जार, ये सब वाले हैं, इसमें सही रहता है करके पापा, तो वो भी टॉफी वगैरह के हैं वो अच्छे नहीं लगते, इसी में आ रहा था तो साथ सब कह रहे थे, नहीं ये तो फिर बड़ा बड़ा सही है, बाकी वो वैसे नहीं है जो पल्स वगैरह के, वो उनको हटाने हैं, उनको हटा देंगे, अब इसे सीधे खा सकते हैं हम अचार को, नहीं गटेगा दो चार दिन में खा सकते हो, अभी तो इसमें तेल पड़ेगा धूप में रखेंगे, मतलब अभी नहीं बनाए अभी बना नहीं, अभी नहीं मतलब वैसे मसाले मसूरे नहीं तो खा, तूने तो खा के खा लेंगे सीधे, अभी कहाँ खाएंगे, अभी तो थोड़ा दो चार दिन में गल जाएगा थोड़ा हल्का, तो मैं कहूँ ऐसे कैसे खाएंगे इसको, अजीब सा लग रहा है, इसे मसाले मसूरे डाल डूल के धो धा के तैयार कर दिया हम लोग, सुखाएंगे ना इसको, इसको दो चार दिन तेल डाल के इसको मैं सुखाएंगे इसको, सही है, दो चार दिन बाद धूप में रखेंगे तो खाने लायक हो जाएगा, अभी तेल भरेंगे इसमें सीधे सिर तेल डाल के भर देंगे ऐसे, अभी मसाले मसाले से तैयार कराए हैं, तेल सोखेगा ना, तेल में थोड़ा तेल में डाल के गलेगा ना, दो चार दिन धूप में रखेंगे तब खाने लायक होगा, तो बढ़िया मिर्च का सही रहता है, मिर्च का बनाना, मिर्च का भी बना दूंगी, मिर्च का टेस्टी होता है, मिर्च का बीज में बनाया था खराब हो गया, अरे यार हाँ वो अच्छा हो रहा था, और बना गीली टमाटर सब्जी होगी ना, गीला नहीं लगाना पड़ता है, कोई नहीं और बना लेंगे, और मिर्च हो रही खेत में बना लेंगे, देखो तेल पड़ने लग गया इसमें, पूरा डाल देंगे, अरे वो नीचे टपक रहा, आराम से चम्मच से डालती ना, नहीं तो उसमें मसाले गए ना, समझ गए ठीक है, ज्यादा पड़ गया था, ज्यादा मत डालना, सोखेगा नहीं तेल से गलता है ना। तो अभी बज गए 11, खाना वाना खा लिया हम सब ने, तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट जरूर करना कि ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। Up all night, we're never slowing down.